जी मैडम अंबर, मेरा ख्याल इसे शुरू शुरू करना चाहिए मैडम। करें। जी 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 मैडम। ठीक है मैडम, शामिल हूँ। मैं आपको को होस्ट बना लूं या मैं ही प्रोसीड करता जाऊं? सर दोनों तरह ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। करूँ ओके ओके, चले मैडम, ठीक है। स्टार्ट? जी, अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं अपने सीनियर जूनियर कलीग सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमें पढ़ाते हैं स्पेशल टाइम निकाल के, क्योंकि जो नहीं पढ़ाता वो नहीं समझ सकता कितना टाइम लगता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं सीटी चेस्ट लंग एनाटॉमी। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। अच्छा सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सरफेस एनाटॉमी के साथ, क्योंकि इससे हमें एक्सरे और सीटी दोनों को समझने में हेल्प होगी। ऑब्लीक फिशर का दूसरा नाम मेजर फिशर है और हॉरिजॉन्टल फिशर को माइनर फिशर कहते हैं। बैक पे अगर देखें तो T2 सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, जहां से स्टार्ट होता है हमारा ऑब्लीक फिशर। उसके बाद स्कैपुला के लोअर मार्जिन के साथ हम जाते जाते हैं एक्जिला तक। एक्जिला से फिर आगे इंटीरियरली जाना होता है 6th costochondral जंक्शन तक। वहां तक एक्सटेंड करता है हमारा ऑब्लीक फिशर या मेजर फिशर। यानी हम बैक से यहाँ गए, उसके बाद ये यहाँ और इंटीरियरली यहाँ पे, दोनों साइड्स पे इसी तरह ही होता है। और जो है माइनर फिशर वो सिर्फ राइट साइड पे होता है। वो ऊपर 4th रिब से या 4th costal cartilage से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एक्सिला में जहाँ पे जाके ऑब्लीक फिशर को हिट करती है या मिलती है, वहां पे वो हमारा माइनर फिशर बनता है।
प्रीडोमिनेंटली एक्सरे पे हमें फ्रंट पे अपर लोब और लोअर लोब मिलता है और दरमियान में मिडल लोब, लेकिन एक्सिला में सिर्फ अपर और लोअर लोब्स होते हैं, मिडल लोब का एरिया नहीं आता। पोस्टीरियरली भी ऐसे ही है, अपर लोब और लोअर लोब होता है, मिडल लोब नहीं आता। सर नेक्स्ट काटते हैं, मैं ज्यादा तेज तो नहीं? हेलो, जी जी मेरे मैडम, ठीक जी जी सॉरी, मैं वो म्यूट कर लिया था अपने आप को। जी मैडम, ठीक। इस... नेक्स्ट स्लाइड मैंने कर दी। इससे नेक्स्ट मैडम, इससे भी नहीं नेक्स्ट? नहीं सर, यही मैंने कहा, मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं। नहीं, ठीक है मैम, अच्छा ठीक है, एक्सीलेंट ठीक मैडम, है। एक्सीलेंट। जी अच्छा ये अब एंटीरियर मैंने एक्सरेस लगाए थे, यही थोड़ा सा फिशर की समझाने के लिए। ये वाला हमारा ऑब्लीक फिशर आ रहा है एंटीरियरली, जो 6 कॉस्टल कार्टिलेज तक जाता है, और ये पोस्टीरियरली ये हमारा डॉक्टर अंबर, जी सर। सॉरी मैं आपको नहीं मैडम नहीं सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैडम अगर आप मार्कर यूज कर लें तो मेरा ठीक ख्याल है जी, सर, ठीक है सर। उससे जरा थोड़ी हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा बन जाती है कि आप कहाँ पे कह रही सर हैं। ये ठीक, ये हमारा ऑब्लीक फिशर है जो कि हमने पढ़ा पीछे, T2 से हम यस एक्सिला में आए और एंटीरियरली 6th कोस्टल कार्टिलेज तक हम जाते हैं, तो ये हमारा ऑब्लीक फिशर है या मेजर फिशर है। ठीक है, ये राइट साइड पे और दिस वन ऑन द लेफ्ट साइड, और ये ऊपर हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है जो हमने कहा था कि हम 4th कोस्टल कार्टिलेज से जाते हैं एक्सिला तक, जहां पे वो मीट करता है मेजर फिशर को, वहां हमारा माइनर फिशर होता है। इसी हिसाब से हम लंग जोन्स भी डिवाइड करते हैं, ये हमारा अपर लंग जोन हो गया, ये हमारा मिड जोन हो गया, और ये हमारा लोअर जोन हो गया। ठीक हो गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अब अगर हम आते हैं लैटरल एक्सरे चेस्ट पे, आज तक लैटरल एक्सरे चेस्ट की कभी इतनी इंपॉर्टेंस लगी नहीं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सीटी एनाटॉमी। अच्छा, इसमें पोस्टीरियरली ये वाली T2 का पॉइंट है जहां से हमने मेजर फिशर को स्टार्ट किया, और एंटीरियरली ये डायफ्राम, ठीक है, और जी मैडम, इधर से ये हमारी 4th आ गई, इसको हम यहाँ पे हाइलम के पॉइंट पे मैच करेंगे तो ये हमारी माइनर आ गई। अच्छा, अब लेटरल समझने के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हम सिगमेंटल एनाटमी लिवर सॉरी लंग की जो सीटी पे बताते हैं वो एक्सरेज पे भी बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हम चीजों को थोड़ा सादा सादा रखेंगे। हम चलते हैं आगे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि राइट साइड पे हमारे 10 सेगमेंट्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे 8 सेगमेंट्स होते हैं। ये 9 मैंने एक्सक्यूज इसलिए मी मैम, लिखा जी, लेटरल वाला एक्सरे की समझ नहीं आई। उसमें आपने क्या बताया, सेगमेंट्स का किस तरह से बताया लेटरल में? मैंने उसमें सिर्फ लोब्स बताए हैं फिशर के हिसाब से। ये देखिए, ये ओके हमारा मेजर फिशर जा रहा है T2 से जो हमने डायफ्राम तक डिराइव किया, और फाइलम से 4th रिब से ये हमारा माइनर फिशर है। राइट साइड पे इसके ऊपर हमारा अपर लोब होगा, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर के दरमियान में हमारा मिडल लोब होता है, और मेजर फिशर के पीछे हमारा लोअर लोब होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी हम T2 से लेफ्ट हेमी डायफ्राम तक जो है उसकी ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें लिंगुला होता है जिसको हम अपर लोब के ही आगे से डिविजन करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो इसको हम 2 ही लोब्स में रखते हैं, मेजर से आगे अपर लोब और उससे पीछे लोअर लोब। आगे समझ सर, जी, थैंक नेक्स्ट कर दें। यू। अच्छा, ये मैंने 9 और 10 ना सिर्फ हमारी समझाने के लिए लिखा है कि राइट साइड पे 10 और लेफ्ट पे 9, इसलिए कि सिर्फ दोनों में एक सिर्फ मीडियल बेजल सेगमेंट वाहिद है जो लेफ्ट लंग में एब्सेंट होता है, अदरवाइज इसके जो सेगमेंट है वो एपिकल और पुस्टीरियर जो होता है, हम उसको मिला के सुपीरियर लोब को एपिको पुस्टीरियर बनाते हैं, तो हम उसको एक गिनते हैं। अगर हम उसको अलग अलग गिनेंगे तो टोटल वो भी 9 और वो 10 बन जाते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये देखिए, राइट साइड पे हमारे पास राइट अपर मिडल और लोअर है। अपर में हमारे पास एपिकल एंटीरियर और पोस्टीरियर 3 हो गए, जैसे ये मैंने थोड़ा सा आसान करके बताने की पिक्टोरियल डायग्राम से कोशिश की है, जो एपिक्स की तरफ होगा वो एपिकल होगा, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर है। मिडल को हम मीडियल और लैटरल में डिवाइड करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम मिडल की बजाय लिंगुलर सुपीरियर और इन्फीरियर बनाते हैं।
और इसमें एपिकल और पुस्टीरियर सेगमेंट्स लेफ्ट अपर लोब के अलग करने की बजाय हम एक ही टर्म एपिको पुस्टीरियर यूज करते हैं और दूसरा हम एपिकल एंटीरियर सेगमेंट बनाते हैं। लोअर में है, मैंने आपको बताया कि 5 सेगमेंट राइट साइड पे हैं और लेफ्ट में 4 हैं, क्योंकि लेफ्ट में जो मीडियल मीडियल बेजल होता है वो एब्सेंट होता है। तो राइट साइड में सुपीरियर और उसके अलावा याद करने के लिए ना एक निमोनिक है ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एंटीरियर लैटरल और पुस्टीरियर। इसकी आगे जो है सीटी पे आपको मैं बताती हूँ सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना? मैडम अंबर, ये जी जो सर। ALP फार्मूला है, ये आपने किस चीज का बनाया? सर लोअर लोब के जो सेगमेंट्स है ना, सुपीरियर जी बेजल तो सबसे ऊपर दोनों है, उसके बाद सीटी की जब हम सेगमेंटल एनाटॉमी करते हैं तो ये इसी सीक्वेंस में आने हैं, एंटीरियर बेजल, लैटरल बेजल और पोस्टीरियर बेजल, दोनों साइड पे दोनों दोनों बेजल में साइड है? पे। जी सर ऐसे ही आते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो हमारी डिवीजन है ना वो मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आसान करने की कोशिश किया है, ताकि एटलीस्ट सब कोई ना कोई टेक होम मैसेज लेके जा सकें। तो हम सिर्फ 5 लेवल पे डिवीजन मोटी मोटी करते हैं, जिससे हमें तकरीबन सारे सेगमेंट्स पता चल जाते हैं। उसमें पहली ट्रेकिया, फिर एओर्टिक आर्च, केराइना, उससे नीचे और हार्ट, वो मैं आपको आगे साथ साथ बताती जाती हूँ। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, अब ये जो सबसे पहला सेगमेंट है ना, ये हमने लिया है एट द लेवल ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ना ब्लू, ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे ट्रेकियल डिवीजन को। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ये T2, इससे हमने ये ड्रॉ किया मेजर फिशर, ये येलो वाला, आप सब अप्रिशिएट कर सकते होंगे। ये राइट लैटरल दिखाया है और ये लेफ्ट लैटरल दिखाया है। ये हाइलम का पॉइंट है और ये माइनर फिशर है जो T4 से यहाँ तक आ गया। तो ये हमारे पास हो गया अपर लोब का सेगमेंट, इससे नीचे और मेजर फिशर और माइनर के दरमियान में हमारे पास हो गया मिडल लोब, और ये हमारे पास हो गया पीछे वाला लोअर लोब। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हम अगर इस हाइलम के पॉइंट से लेटरल एक्सरे पे 2 पॉइंट्स ड्रॉ करें, यानी एक लाइन ड्रॉ करें जो कि जाए एपिक्स की तरफ, ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं नंबर 1, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, और दूसरी हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट रिब से टुवर्ड्स दी हाइलम, तो हम इसको नंबर 2 लाइन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की, एक हाइलम से एपिक्स की तरफ और दूसरी ड्रॉ की फर्स्ट रिब की तरफ। तो ये जो बीच में हमारे पास सेगमेंट आ गया, दिस इज एपिकल सेगमेंट ऑफ अपर लोब। ठीक है, आगे हमारे पास स्टर्नम है, दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, पीछे वर्टिब्रल बॉडीज हैं, दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट, सॉरी ये वाला पोस्टीरियर सेगमेंट है, ये वाला पोस्टीरियर, ये तो लोअर लोब का आ जाएगा। जी मैम, जी ठीक है, यानी जी कि ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, स्टर्नम की तरफ एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, और ये हो गया एपिकल सेगमेंट ऑफ अपर लोब। अब जो हमारे पास होता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास, हम ये एपिक्स की लाइन ड्रॉ नहीं करते, तो हमारे पास आ जाता है एपिको पुस्टीरियर सेगमेंट, ये वाला सारा, और ये हमारे पास आ जाता है एंटीरियर सेगमेंट। ठीक हो गया। अब जी मैम, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि पहला लेवल, क्योंकि हम एक्सियल लेते हैं, हमारे पास जो एक्सरे होता है वो 2D होता है और CT 3D होता है, तो अगर हम एक्सियल सेक्शन यानी पहला कट सेक्शन लेते हैं ट्रेकिया के लेवल पे, तो उसमें हमें सिर्फ एपिकल सेगमेंट्स नजर आएंगे दोनों लंग्स के, अपर लोब्स के, यानी कि ये गुजर गई ना लाइन, तो इसके ऊपर सिर्फ ये एपिकल सेगमेंट्स आ गए। आई होप मैं क्लियर हूं। यस मैम, यस मैम। किसी को कुछ पूछना या कोई कंफ्यूजन? ठीक है मैम, सही है। ठीक है सर, नेक्स्ट।
ठीक है, पहला सेगमेंट जो हमने लिया वो हमने लिया ट्रेकिया के लेवल पे, और उस पे हमने देखे दोनों एपिकल सेगमेंट्स ऑफ अपर लोब्स। अब हम ट्रेकिया से थोड़ा नीचे आते हैं तो हम आते हैं एओर्टिक आर्च के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एओर्टिक आर्च की लेवल आती है, ये वही लाइंस जो मैंने आपको बताई पहले हमने ड्रॉ की, ये मेजर फिशर और ये माइनर फिशर। अब आप देखें जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आए हमारे पास ये वही एंटीरियर सेगमेंट आ गया, ये पोस्टीरियर सेगमेंट आ गया, और ये हमारे पास एपिकल सेगमेंट आ गया। इसी सीक्वेंस से हमारे पास सीटी पे आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, दरमियान में एपिकल सेगमेंट आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आगे ये एंटीरियर आ गया और पीछे ये एपिको पोस्टीरियर आ गया। तो ये हमारे पास आगे एंटीरियर सेगमेंट और ये पीछे हमारे पास एपिको पोस्टीरियर सेगमेंट आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। जो सीटी वाली वो है इमेज है, इसमें जो येलो लाइंस हैं ये आपने ट्रेकिया के एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर पे मार्क किए हैं। हाँ जी, ये मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश किया है कि ये यहाँ पे जब हम एक्सरे पे मैं आपको लैटरल दिखा रही हूँ तो ये तीनों व्यूज इसमें आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे इसके तीनों सेगमेंट्स आ रहे हैं, जो टूवर्ड्स दी वर्टिब्रल बॉडी जहाँ से शुरू होती है उसके साथ साथ पोस्टीरियर सेगमेंट है, आगे से स्टर्नम और ट्रेकिया के एंटीरियरली सारा एंटीरियर सेगमेंट है, और इन दोनों के दरमियान ये हमारा एपिकल सेगमेंट है। ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम सर। नेक्स्ट, अच्छा एक यहाँ पे आप देखें ये उससे थोड़ा सा नीचे का लेवल है एओर्टिक आर्च का, यहाँ पे आपको प्यूरी एओर्टिक आर्च की आउटलाइन अच्छी नजर आ रही है। सर अब थोड़ा सा पीछे जाइएगा एक स्लाइड। जी मैम, इसमें देखें एओर्टा की आर्च अभी पूरी नहीं बनी, यहाँ सिर्फ आना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे का लेवल, यानी प्रोबेबली हम रख लेते हैं कि ये तकरीबन ये लेवल होगा जिससे जहाँ पे एओर्टा की आर्च हम अच्छी डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने यहाँ ये देखना है कि ये तो मैंने आपको बताया था सारा कि ये अपर लोब है, लेकिन यहाँ ये पीछे सुपीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो ये हमारा फिशर है, मेजर फिशर दोनों साइड पे जो अभी मैंने आपको एक्सरे पे भी दिखाया। अब आगे ये हमारे पास पूरा हो गया अपर लोब और ये हमारे पास सुपीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। इसको अब हम फिर इसी तरह तीन में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा इंटीरियर, ये हमारे पास आ जाएगा एपिकल सेगमेंट, और ये हमारे पास आ जाएगा पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, और ये पीछे फिर हमारे पास आ जाएगा सुपीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। इसी तरह अगर हम इस पे आ जाएंगे तो यहाँ से आगे आगे हमारे पास आ जाएगा एपिकल सेगमेंट, पीछे एपिको पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट अपर लोब, और नीचे दोनों के मेजर फिशर्स के सुपीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। रिपीट कर दूं? जी जी सर, फिर एक दफा स्लाइड। अच्छा ओके मैडम, ये देखें पहला लाइव, अभी ये वाला लेवल जो मैंने आप सबको बताया ये एओर्टिक आर्च का लेवल था जिसमें अभी एओर्टिक आर्च पूरी नहीं आई। ठीक है, उस लेवल पे अगर हम एक्सरे पे भी देखें तो ऑब्लीक फिशर से ऊपर ऊपर हम एंटीरियर अपर लोब्स के तीनों सेगमेंट्स इस तरफ और अपर लोब के दोनों सेगमेंट्स इस तरफ इस व्यू पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई? यस। ठीक है, अब हम इसके नीचे अगर थोड़ा जाएंगे तो ही हमारे पास एओर्टा पूरी आनी शुरू होगी ना आर्च, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल आर्च के शुरू का स्लाइस ले लिया था जो ये वाला लिया था, ये वाला जो पहले दिखाया। अब जो इससे नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया वो हमने कहा कि हमने एओर्टिक आर्च थोड़ी सी और आगे, यानी एक्सियल में हम स्लाइसिस एडवांस प्रोसेस करते जाते हैं, तो हम थोड़ा सा नीचे आए। जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो उसमें ये देखें फिशर के साथ ये वाले तीनों अपर लोब के तो तीनों सेगमेंट्स आ गए और इधर भी अपर लोब के दोनों सेगमेंट आ गए, लेकिन पोस्टीरियरली ये वाला फिशर आ रहा था ना
उसके पीछे हमारे पास ये सुपीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब्स आए थे दोनों तरफ, ये वाले, ये सर। अब नेक्स्ट कीजिएगा जी मैम। ये देखें, ये वही पोस्टीरियरली ऑब्लिक फिशर, मेजर फिशर आ गया दोनों तरफ, ठीक है। और उसके पीछे ये वो जो थोड़े थोड़े सेगमेंट्स आने लगे थे सुपीरियर बेजल सेगमेंट लोअर लोब्स के, फिशर के पीछे लोअर लोब आ गई और फिशर के आगे एंटीरियर अपर लोब पूरी आ गई इस लेवल पे, यानी जहां पे पूरी एओर्टिक आर्च आपको अच्छी डिफाइन हो जाएगी उस लेवल पे सीटी पे आपको दोनों लोब्स अपर दोनों साइड्स की अच्छी नजर आएंगी और उनके सारे सेगमेंट्स। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप फिशर डिफाइन कर लो, क्योंकि फिशर के पीछे लोअर लोब का सुपीरियर बेजल सेगमेंट आ रहा है, मिडल लोब और लिंगुलर लोब अभी नहीं आए। मैम जी, मैम अभी आपने जो एक्सरे पे दिखाया है एक स्लाइड पीछे जी, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट तो आ रहा था लेकिन एपिकल सेगमेंट नहीं आता एओर्टिक आर्च के लेवल पे। ये देखिए एओर्टिक आर्च के लेवल पे मैम, इससे नीचे जब आप ले जाती हैं इसको ग्रीन लाइन को, बेटे ग्रीन लाइन को, ये हाइलम का लेवल है तो एओर्टिक आर्च इससे तो ऊपर रखनी है ना, ये तो इसमें ये तीनों आ गए सही, ठीक है। और पीछे ये वाला जो एरिया आया फिशर के पीछे, ये सुपीरियर बेजल सेगमेंट है, ये सारी तो समझ आ गया था। हाँ जी जी, ये समझ आ गया था, एपिकल ऑफ द अपर नहीं समझ आ रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ना होने के बराबर आ रहा है इसमें लैटरल एक्सरे पे। डॉक्टर अंबर ये शी इज राइट, जब हम नीचे चले जाते हैं तो एपिकल सेगमेंट बहुत वो जो है ना फिर कम हो जाता है। जी सर कम apical, होता जाता है। एपिकल इज अ सेगमेंट व्हिच इज एट द एपेक्स ना, तो वो जो है ना वो फिर नीचे जाके जब नीचे जाते हैं तो एपिकल सेगमेंट स्लिट्स बस इम्परसेप्टेबल रह जाता है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हो जाता है। जी सर ठीक है सर। और प्लस ये जो दूसरा आप सुपीरियर सेगमेंट है, सुपीरियर बेजल नहीं होता, बेजल नीचे होता है, ये सुपीरियर सेगमेंट आप लोअर लोब से जो पीछे आता है पोस्टीरियर फिशर के पीछे आता है, ठीक है सर। थैंक यू सर। इसको सुपीरियर या एपिकल भी कह सकते हैं, लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट सुपीरियर लोअर जी सुपीरियर सर जी सर। बेजल जो है ना चार जो नीचे हैं चार चार उनके लिए इस्तेमाल है वो बेजल, ठीक है। थैंक यू सर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट कर लें। डॉक्टर अंबर जी ये जो प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा प्लीज, इसमें जो हमने सीटी में डिवीजन किया इसमें कोई लैंडमार्क्स हैं? लैंडमार्क ये फिशर को लैंडमार्क रखना है ना ये वाला, ये तो लोअर और अपर का हो गया, तो अपर हाँ जी डिवीजन के लिए एंटीरियर एपिकल एंड पोस्टीरियर इसके लिए जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी वो हाँ रफली यही वाली रखते हैं ना ट्रेकिया वाली, तो ये सर की बात ठीक है कि यहाँ आके एपिकल बिल्कुल बहुत कम सा रह जाता है, वो मैंने तो बहुत फाइन डिवाइन डिवाइड नहीं की, लेकिन एंटीरियरली हमारे पास ये सारा एंटीरियर है, पीछे ये सारा पोस्टीरियर है, तो दरमियान में ये बहुत थोड़ा हो जाता है एपिकल, वही वाली बात है कि ना होने के बराबर लेकिन थोड़ा है तो सही है, नहीं बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, होता है। ठीक है थैंक यू जी, वेलकम सर। नेक्स्ट कर दें जी मैडम। ठीक है अब हम आ जाते हैं कराइना के लेवल पे। कराइना वो लेवल है जिस पे हम सबको पता है ट्रीकिया डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है जिसको हम वही हाइलर या कराइना का पॉइंट कहते हैं, इस लेवल पे ये भी लैटरल व्यूज ही दिखाने की कोशिश की है। इस पे जब हम लेवल लेते हैं या सेक्शन लेते हैं तो अब यहाँ पे आगे एंटीरियरली फिर अपर लोब का एंटीरियर सेगमेंट और पीछे यही सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब आ जाता है दोनों तरफ। सबको क्लियर है? इसको जरा रिपीट करिएगा डॉक्टर अंबर प्लीज। जी सर। सर कराइना के लेवल पे ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है ना ये वाली, ये इस पे जब हम स्लाइस लेते हैं ना तो एंटीरियरली हमारे पास ये आ गया एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और पीछे हमारे पास आ गया सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब,
यानी जिस लेवल पे ये राइट और लेफ्ट का मेन स्टेम ब्रोंकस अलहदा हो जाएंगे ना, ये वाले चराइना के डिवीजन के लेवल, तो ये आगे हमारे पास है इंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और पीछे हमारे पास है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बीच में हम वैसे फिशर भी अप्रिसिएट कर सकते हैं अगर हम इसको जूम करके देखें। सर हम इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं जी मैडम, ये वाला अच्छे सीटी वाला इमेज जूम कीजिएगा जी, ये वाला जी जी ये देखें, ये आप लोग फिशर अप्रिशिएट कर सकते हैं ये वाला। यस ठीक है, दिस इज द ओब्लिक फिशर, मेजर फिशर। तो अब ये जो आगे रह गया इस जगह पे लेवल, दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और ये पीछे दोनों सुपीरियर सेगमेंट्स ऑफ लोअर लोब्स। मैम समझ नहीं आया बेटे, देखो कराइना वो पॉइंट है ना जहां पे ये ट्रेकिया ने डिवाइड करना है राइट और लेफ्ट दो में, ठीक है जी। इस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फिशर जा रहा है इस साइड पे राइट पे ये और लेफ्ट साइड पे ये, ठीक हो गया। अब मेजर फिशर ने क्या बनाना है, ऊपर की साइड पे अपर लोब और नीचे लोअर लोब, यही पढ़ा हमने। सबसे पहले ऊपर आना है लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट, ठीक हो गया। तो ये दोनों साइड पे जो नजर आ रहा है ये दोनों लोअर लोब्स के सुपीरियर सेगमेंट्स आ गए जी, ठीक है। और एंटीरियरली अब हमारे पास जो रह गया वो है एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब दोनों तरफ। सही, क्लियर जी, क्लियर हो गया। एक्चुअली इसमें होता ये है ना कि जो अपर लोब का जो एंटीरियर सेगमेंट है ना वो नीचे तक आता है, नीचे तक आता है, और एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब का ऊपर तक जाता है। तो ये वो एरिया है कि जिसमें वो ऊपर वाला नीचे आया हुआ है और नीचे वाला ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल। इसलिए वो सेंटर में ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको। तो चलें अच्छा, अब पिछला लेवल जो था कराइना के लेवल पे था, अब हम उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। इस लेवल पे मैं आ जाऊं तो तकरीबन हम यहाँ आ जाते हैं। इस पे मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, अब ये जो पिंक कलर है इसमें ये मिडल लोब था दोनों फिशर्स के दरमियान माइनर, और ये पीछे मेजर, नीचे ये लोअर था और आगे ये अपर था। अब इस लेवल पे आके हमारे अपर लोब्स खत्म हो गए, ठीक है, जहां पे पहले मेन्स वो आ गया था कराइना, जहां पे हमें मेन्स दोनों ब्रोंकस नजर आ रहे थे। अब हम उससे नीचे आ गए हैं तो हमारे पास ये राइट साइड पे मिडल लोब आना शुरू हो गया एंटीरियरली, और पीछे वही हमारे पास अभी सुपीरियर सेगमेंट चल रहा है लोअर लोब का, और इस तरफ हमारे पास ये एंटीरियरली आगे लिंगुला आना शुरू एंटीरियरली हमारे पास आके ये लिंगुला आना शुरू हो गया है, और पीछे हमारे पास वही सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब चल रहा है। इसके कॉरेस्पोंडेंट अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको, क्योंकि ये मिडल लोब आ गया तो इसको हमने डिवाइड करना दो में, मीडियल और लैटरल में, और इस साइड पे अगर हम जाएं तो हम इसको रफली यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर सेगमेंट बना देते हैं लिंगुला का और नीचे वाले को इंफीरियर सेगमेंट। मैडम मार्कर यूज कर लें, समझ नहीं आई इस पॉइंट। अच्छा सर ये देखें, अच्छा ये तो समझ आ गया ना कि ये ग्रीन अपर लोब है, ब्लू लोअर लोब है और पिंक मिडल लोब है राइट साइड का, ठीक है। हमने डिवीजन अब करनी है, ये कराइना का पॉइंट था जो हमने पिछली डिवीजन देखी जिसपे हमें सिर्फ अपर का एपिकल एंटीरियर और लोअर का सिर्फ सुपीरियर सेगमेंट्स मिल रहे थे, ये वाले, ठीक है। इस चीज पे सब साथ हैं? यस ठीक है। अब हम इससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यानी वो ये वाला लेवल था ना जो कराइना का लेवल था, अब मैं इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, हार्ट का लेवल इससे भी नीचे होगा, ठीक है। हम इससे नीचे आ गए, ये आ गए रफली मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पास आगे आ गया मेजर फिशर के नीचे, और ये वाला, ये हमारे पास आ गया मिडल लोब का हिस्सा, ठीक है। यस मैम। और पीछे हमारे पास अभी यही चल रहा है सुपीरियर सेगमेंट लोअर लोब का,
जी मैम ठीक है। अब इस चीज को कॉरेस्पॉन्डेंटली सीटी पे यहाँ यही दिखाने की कोशिश की गई है कि इससे आगे आगे अब हमारे पास ये, यानी कि आप लगा लें पीछे ये वाला हमारा और इसके पीछे, ये तो हो गए सुपीरियर सेगमेंट लोअर लोब्स के, लेकिन अब क्राइना से नीचे जब आते हैं तो हमारे पास मिडल लोब्स आना शुरू हो जाता है। ये आगे राइट साइड का मिडल लोब है, उसका मीडियल और लैटरल सेगमेंट, और ये लेफ्ट साइड का लिंगुलर सुपीरियर और इंफीरियर आना शुरू हो गया। जी मैडम, या रफ वर्ड्स में ये आप सोच सकते हो कि यहाँ पे एओर्टिक रूट या हार्ट अभी थोड़ा सा आना स्टार्ट हुआ है, तो हम यही कहते हैं ना कि हार्ट जो रहता है वो मिडल में आना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ साथ भी मिडल आ गया। आसान अल्फाज में हम ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल लैंडमार्क अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो बिलो द लेवल ऑफ कराइना पे हम जाके ये कहेंगे कि हमारे मिडल और लिंगुलर लोब्स आना शुरू हो गए। जी मैडम सर नेक्स्ट। जी अच्छा, अब हम आ गए हार्ट के लेवल पे, ठीक है। अभी किसी ने कहा था कि हार्ट का लेवल आएगा तो तब, अच्छा अब आ गया हमारे पास हार्ट का लेवल। इसमें आप ये देख सकते हो, ये सर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे जी। अच्छा मैडम जी, ये आप फिशर्स फिट दोबारा देख सकते हो सारे। इस फिशर से आगे आगे वही हमारे पास मिडल लोब है राइट साइड पे, और इधर ये लिंगुलर है, और पीछे अब हमारे पास आगे पोस्टीरियर लोब्स। हम इसको यूजुअली वो कहते हैं कि रफली ऐसे डिवाइड करते हैं कि ये वाला जो होता है एंटीरियर 1/3, ठीक है, और ये पोस्टीरियर सारा हम 2/3 में डिवाइड करते हैं। जो एंटीरियर 1/3 है उसमें फिर हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वही मिडल का मीडियल और लैटरल बन जाएगा, और ये इसका इंफीरियर लिंगुलर और सुपीरियर लिंगुलर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन आ जाएगा जो हम ऐसे करके बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को वो निमोनिक याद कराया था ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज वाला, ए एल और पी वाला, सुपीरियर सेगमेंट इसके ऊपर गुजर जाते हैं, यहाँ पे आप वही इसका एंटीरियर लैटरल और पोस्टीरियर आना है। ये इसका एंटीरियर सेगमेंट, ये इसका लैटरल, और ये इसका पोस्टीरियर एएलपी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इधर भी इसी तरह एंटीरियर लैटरल और पोस्टीरियर, ये इसी सीक्वेंस से ही आते हैं दोनों साइड्स पे। लेफ्ट साइड पे मीडियल बेजल एब्सेंट होता है, और राइट साइड पे जो हार्ट के साथ ये वाला सेगमेंट आता है थोड़ा सा, इसको हम मीडियल बेजल कहते हैं। यानी के फिशर से ऊपर मिडल एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3। इस फिशर ने अब डिवाइड कर दिया आगे ये मिडल लोब को और पीछे लोअर लोब को, और ये लिंगुला और लोअर लोब। इतना क्लियर है सबको? मैम ये माइनर फिशर नजर आ रहे हैं ना इस लेवल पर? हाँ जी, राइट साइड पे माइनर है, लेकिन लेफ्ट पे तो वो मेजर ही है ना ओब्लिक, क्योंकि हम अपर और लोअर में करते हैं। जी मैडम ठीक है। अब इस साइड पे वही वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना, बस एएलपी वाला अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल बेजल्स, और मीडियल बेजल सिर्फ राइट साइड पे होता है और वो ये वाला है, लेफ्ट पे वो नहीं होता। सर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा यही वाली स्लाइड, यही अब मैंने यहाँ पे आपको एक्सरे की मदद से दिखाने और बताने की कोशिश की है। एक मिनट, ये जो आपने अभी बताया अंबर, ये ऑब्लिक फिशर ही नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फिशर तो अपर और मिडल को डिवाइड कर रहा होगा। वो आगे चला गया, सही है, यू आर राइट, वो आगे चलेगा, सही कह रहे हैं, ये दोनों साइड पे मेजर ऑब्लिक, हाँ जी मेजर फिशर आ रहे हैं जी। जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो राइट साइड पे इंटीरियरली चला गया जी सर, मिडल के ऊपर जी, और थैंक यू फॉर करेक्शन। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक्सरे की मदद से ये यही दिखाया है कि फिर हमारे पास ये एंटीरियरली ये आ जाता है मिडल, फिर पीछे पोस्टीरियरली वही उसका एएलपी वाला फॉर्मूला, लेकिन एएलपी हम इसकी एनोटेशंस ये वही ऐसे एंटीरियर, दिस इज लैटरल, और ये पीछे वर्टिब्रल बॉडीज हैं तो ये पोस्टीरियर,
ऐसे ही आप इधर फॉलो करें तो ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये लैटरल और ये मीडियल बेजल है और ये आगे मिडल लोब है और दिस वन इज द लिंगुला। सबको समझ आ गई? यस मैम। सर नेक्स्ट कीजिएगा। जी मैडम। अच्छा अब ये कोई बताए ये कौन सा फिशर है? मेजर फिशर मैडम। जी सर। ओब्लिक फिशर। ठीक है और इसके आगे यही वाला राइट का मिडल हो गया, लेफ्ट का ये लिंगुलर हो गया और उसके बाद वही आपने ए एल और पी काट लेना। जी मैडम। सर नेक्स्ट। अब बताना है ये ओपेसिटी कहाँ पे सेगमेंट्स के हिसाब से और ये लेवल कौन सा है? ये क्राइना का लेवल है मैडम और ये जो ओपेसिटी है ये जो अपर लोब है उसमें भी है और एपिकल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब उसमें भी है। एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब दोनों को अप्लाई करें। हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम इसको ये क्राइना के लेवल पे डिवाइड करते हैं तो एक आगे हमारे पास रह जाता है सिर्फ एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब और पीछे सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। तो ये अब एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर और सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब की ओपेसिटी है। सबको समझ आ गई? यस मैम। सर नेक्स्ट कीजिएगा। अब ये बताएं मैम ये पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोब नहीं सुपीरियर सेगमेंट ऑफ सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब। बिल्कुल ठीक, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, क्योंकि बेटे कराइना के लेवल पे तो डिवीजन हो रही है और अब हम ये उससे भी नीचे आ गए हैं, तो जब हम कराइना के से भी नीचे आ गए तो फिर ये तो सुपीरियर सेगमेंट लोअर लोब का आ गया ना। जी अगर सिंपल अल्फाज में ब्रोंकस के हिसाब से भी आप देखो तो जब मेन ब्रोंकस ऊपर का निकल गया और नीचे का आ गया तो उससे ऊपर ऊपर ही ऊपर वाला लगेगा ना, अब उससे नीचे लोअर आ गया। जी मैडम। सर नेक्स्ट ये बताएं। ये मैडम जो पोस्टीरियर लिंगुलर सेगमेंट में है और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लेफ्ट, पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट में है और पोस्टीरियर बेजल लिंगुलर है ना। बिल्कुल हार्ट का लेवल आ गया। हाँ जी हार्ट का लेवल आ गया तो लेफ्ट में अगर हम यूं करें तो ये सुपीरियर लिंगुलर और ये इन्फीरियर लिंगुलर, लिंगुलर के दोनों उसने इन्वॉल्व कर लिए और नीचे अगर हम आए तो हमने ए एल और पी वाला फॉर्मूला लगाया था तो ये ए एल और पी, तो ये पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब और लिंगुलर सेगमेंट्स ऑफ मिडल लोब लेफ्ट साइड की, क्योंकि हार्ट आ गया। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन? मैम एक बात और थी, ये जो केराइना के लेवल पे होता है ना इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर होता है, वो मेरे पास रेडियोपीडिया का इमेज भी है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। पोस्टीरियर का हो सकता है कोई आप जो यहाँ से आपने देखा है कोई थोड़ा बहुत एलिमेंट बचता हो, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एंटीरियर होता है और हम 100% लेवल पे तो मतलब नहीं, हम प्रीडोमिनेंटली देखते हैं ना क्योंकि सेगमेंट्स की भी आगे से डिवीजन तो कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है, बस हमने अंदाजा ही करना होता है ना कि प्रीडोमिनेंटली ऐसे है और ज्यादातर ओपेसिटीज तो वैसे भी ओवरलैप करती है सेगमेंट्स को। जी वो असल में वो इसी तरह मैंने भी इसको याद किया हुआ था, वो मैं इमेज शेयर कर दूंगी आपको। जी जरूर, कोई अगर उसमें कुछ है हो करेक्शन तो बता दीजिए। जी जरूर। प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी जी सर जरूर मैडम। बेसिक लेवल पे जाके ना जैसे आपने बताया ये तो बहुत डिटेल्ड और बड़ा डीपली जाके हमें वो बड़ा मुश्किल होता है सम टाइम चीजों को देख देख के, लेटरल भी देखें, अब देखें कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे हम आ गए, तो ये बड़ा मुश्किल है। कुछ मैंने इसके लिए ना एक ट्रिक है। जी जी सर बताइए। तो रेडियोलॉजी में थोड़े ट्रिक बड़े यूज होते हैं।
जी सर। तो फोरी फोरी हमने फोरी फोरी देखना होता है। तो उसमें ये है कि जब आपको ट्रेकिया मिल रही है ना, ट्रेकिया, ट्रेकिया का सिंगल बोर होता है ना जी, सिंगल बोर ट्रेकिया होती है, तो आप ये समझ लें कि जहां जहां आपको ट्रेकिया का सिंगल बोर मिल रहा है, आप उस वक्त राइट साइड पे आपको एक ही लोब नजर आ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी आपको एक ही लोब नजर आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड पे राइट अपर लोब है और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अपर लोब है। ये एक मोटी सी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, ठीक है। और फिर उस हिसाब से फिर आप आगे उनको सेगमेंट में डिवाइड अपने जहन में कर लें कि ये इंटीरियर होगा, ये एपिकल है, ये ऊपर का लेवल है ट्रेकिया का, तो ये ऑफकोर्स ये एपिकल होगा, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है ना। इस तरह लेफ्ट साइड पे जिस तरह एपिको पोस्टीरियर है या ये थोड़ा, ठीक है ना। ये तो एक चीज हो गई। जब आप अब ट्रेकिया ने दो में डिवाइड होना है, ठीक है, जैसा ये ट्रेकिया है ना, ये वाला जो है, सॉरी मैं अगर मार्क कर दूं तो ये वाला, तो इसको आप कर लें कि ये राइट अपर लोब है और ये लेफ्ट अपर लोब है। जहां जहां आपको ट्रेकिया, जैसे जैसे आप कंसोल पे बैठे एक्सियल स्लाइड देखी जाती है, जहां जहां ट्रेकिया है आप यही समझें कि राइट साइड पे मैं राइट अपर लोब में हूं अभी तक और लेफ्ट साइड पे मैं लेफ्ट अपर लोब में हूं, ठीक है। बाकी जो उसके सेगमेंट है वो उसी हिसाब से कोरस्पोंडिंग इंटीरियर पोस्टीरियर आप करें। अच्छा, फिर आ गई नीचे वाली, इससे नीचे वाला लेवल आ गया, वो है जहां ये बाइफरकेशन होती है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे ख्याल ऊपर वाला लेवल था जी, ये वाला लेवल, ठीक है। फिर देखें कि ट्रेकिया दो में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ट्रेकिया जब दो में डिवाइड होगी ना, तो वर्ड दो आ गया ना हमारे पास, दो दो का लफज आ गया। तो अब हम जो है ना, लोब्स भी दो है कि यस, इसका मतलब है कि राइट साइड पे भी हम दो लोब्स में आ गए हैं और लेफ्ट साइड पे भी हम दो लोब्स में आ गए हैं, ठीक है। तो इससे आगे आगे जो है वो आप एंटीरियर का कर लें, एंटीरियर जो है, एंटीरियर का जो एपिकल एंटीरियर सेगमेंट था अपर का, और ये वाला है ये एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब कर ले, और इसी तरह ये, ठीक है, ये वाला जो है लेफ्ट अपर लोब है वो उसका जो है इंटीरियर सेगमेंट, और ये वाला जो है पीछे, ठीक है ना, एपिकल सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब, बात खत्म, बात ठीक है जी सर। तो कहने का मतलब है कि ट्रेकिया के लेवल पे जब बाइफरकेशन हो गया, दो का वर्ड याद करें कि अभी हम दो बोर हमें नजर आ रहे हैं ट्रेकिया के, तो अब लोब भी दो ही है, राइट साइड पे दो ही लोब है, लेफ्ट साइड पे भी दो ही लोब है, ठीक है। एक तीसरी बात, अब नीचे वाला जो इसके बाद लेवल जो आ जाता है वो हार्ट का आ जाता है, ये वाला लेवल, ठीक है जी सर। इस लेवल पे आप इसको, यह मोटी सी बात है, राइट साइड पे जो होगा ना ये वाला, ये राइट मिडल लोब है, और हार्ट के लेफ्ट साइड पे जो होगा ये लिंगुलर लोब है, ठीक है। बाकी उसके सेगमेंट तो ऑफकोर्स मीडियल, लैटरल और सुपीरियर इंफीरियर वो होते हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी चीजें अभी हम डिस्कस जी जी सर, बहुत जबरदस्त। हार्ट के राइट साइड पे मिडल लोब, लेफ्ट साइड पे लिंगुलर लोब, और पीछे वो जैसा कि ये आपको फिशर नजर आ ही रहा है, ठीक है, इसके पीछे वही ए एल पी वाला फार्मूला लगा लें जी सर, ठीक है, बस खत्म कहानी। हम इंशाल्लाह इससे बहुत जल्दी से और बड़ी इजीली हम वो पहुंच सकते हैं उस जगह के ऊपर जी सर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी, ये थोड़ा सा था कि मसलन, नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया। मैडम ने तो बहुत एलैबोरेट और डिटेल्ड तरीके से बताया, तो ऑफ कोर्स हम ऐसे तो नहीं किसी को बता सकते प्रेजेंटेशन में, तो लेकिन ये एक छोटा सा एक ट्रिक था जो मैं अक्सर ही मैं ये यूज करता हूँ। तो थैंक यू डॉक्टर, नहीं ये बड़ा क्विक रिव्यू, बहुत जबरदस्त आपने बताया। ये जो चीजें है ना, दो छोटी सी चीजें याद रह जाती है डॉक्टर से का, तो जी जी बिल्कुल, ये बहुत क्विक रिव्यू, जबरदस्त जी, थैंक यू जी जी। तो मेन चीज तो ये है कि वो हमसे अगर एग्जामिनर पूछ भी ले, तो हमने मेन जो है हमने वो लोब में ही पहुंचना होता ना, कि वो अब हम राइट हार्ट के हमेशा राइट साइड पे जो जो जगह उसके साथ अटैच है वो हमने राइट मिडल लोब बताना है, फिर हमें पता ही होगा मीडियल साइड पे मीडियल लोब है और लेटरल साइड पे लेटरल लोब आएगा, ठीक है। और पीछे वो ए एल पी वाला फार्मूला मैडम ने बता दिया, वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो वो बस ट्रेकिया है तो राइट अपर लोब है और लेफ्ट अपर लोब है, बाइफरकेशन आ गई तो दो दो लोब राइट पे आ रहे हैं, दो लोब लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो ठीक है। फिर कार्डियक का आ गया, तीसरा साइज जो है वो तीसरा मार्जिन आप कार्डियक का ले लें, हार्ट का ले लें, उसमें जो जैसे हमने मैडम ने बताया। तो बहुत अच्छा हो गया, चलें एक रिव्यू हो गया इंशाल्लाह। तो बाकी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो मैडम अंबर से पूछ लें।
ले मैडम, जजाकल्ला, एक्सीलेंट डॉक्टर अंबर मैडम, अल्लाह पाक ब्लेस यू मैडम, आमीन, अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू मैडम, अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, थैंक यू सर, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़.